देश भर में दिवाली के मौके पर सड़कों पर खूब पटाखे जलाए गए। राजधानी दिल्ली में पहले ही प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में है, वहीं दिवाली पर जलाए गए पटाखों के कारण प्रदूषण का स्तर और बढ़ गया है। हालांकि सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली NCR में पटाखे फोड़े गए। वहीं दिल्ली की रात लोगों द्वारा पटाखे जलाने के बाद राजधानी में धुंध की मोटी परत छा गई, जिससे पूरे शहर में भारी प्रदूषण फैल गया। आपको बता दें कि दिल्ली पहले से ही अपनी बिगड़ती वायु गुणवत्ता की वजह से जूझ रही थी। दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सड़कों पर घनी धुंध छाई हुई दिखाई दे रही है, जिससे दृश्यता काफी कम हो गई है और कुछ 100 मीटर में आगे देखना भी मुश्किल हो गया है। प्रदूषण से जूझ रही दिल्ली। ध्यान देने वाली बात यह है कि दिल्ली राजधानी पिछले कुछ हफ्तों से प्रदूषण से जूझ रही है। कई स्थानों पर AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है और कई दिनों तक हवा जहरीली बनी हुई है। लेकिन दिवाली के बाद अब ये बहुत संभावना है कि एक बार फिर प्रदूषण के स्तर में ज्यादा वृद्धि देखी जाएगी, जिससे लोगों के लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। पटाखे जलाने पर प्रतिबंध। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आप सरकार ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर सरकार खराब हवा से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश पर भी विचार कर रही थी। हालांकि अचानक बारिश की वजह से राहत मिल गई, जिससे प्रदूषण का स्तर कम हो गया। लेकिन अब पटाखे जलने के बाद एक बार फिर से दिल्ली का प्रदूषण बढ़ चुका है। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे खराब। प्रदूषण से संबंधित पिछले आंकड़ों से पता चलता है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से दिल्ली की वायु गुणवत्ता सबसे खराब स्थिति में है। शहर में PM2.5 की कंसेंटेंस और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सीमा से 20 गुना ज्यादा दर्ज की गई है और बताया गया है, जिसकी वजह से शहर सरकार को सभी प्राथमिक कक्षाओं को बंद करने, ट्रकों के प्रवेश को प्रतिबंध करने का आदेश देना पड़ा। राजधानी में दमघोट धुंध। इस बार दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में तेजी से सुधार हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह शुक्रवार को रुक रुक कर हुई बारिश और प्रदूषकों को उड़ा ले जाने के लिहाज से हवा की अनुकूल गति का होना है। गुरुवार को 24 घंटों का औसत AQI 437 था। शहर में 28 अक्टूबर से 2 हफ्ते तक हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब से गंभीर तक रही और इस अवधि के दौरान राजधानी में दमघोट धुंध छाई रही।